लिंग में कठोरता आने के सात उपाय, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हमारे पास में आते रहते हैं, वो ज़्यादातर आते हैं कि जल्दी निकल जाता है, प्री मैच इजैकुलेशन, स्टेमिना नहीं टिकना, वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते, खेलते खेलते ही निकल जाता है, मतलब सीवियर प्री मैच इजैकुलेशन है। अभी ये जो जल्दी निकल जाना या प्री मैच इजैकुलेशन, शीघ्र पतन वाले जो रहते हैं पेशेंट, उनमें करीब करीब 60% से ज़्यादा लोग, अराउंड 60% लोग ये होते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा लिंग जो है ना वो टेंशन में नहीं आता है, टाइट नहीं होता है या कठोरता नहीं आती है। तो उसके लिए मैं आपको सात बातें ऐसी बताता हूँ कि जहाँ से लिंग में कठोरता आने में, टाइटनेस में फ़ायदा हो जाएगा। नंबर एक, आप वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्यूम पंप बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। वैक्यूम पंप कैसे इस्तेमाल करना, उसका मेरा एक वीडियो है। लिंग के ऊपर आप वैक्यूम पंप यहाँ ऐसा डाल देते हैं और वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो लिंग में ब्लड सक होता है और इरेक्शन आ जाता है। यह है नंबर एक। नंबर दो है कि बहुत बार काउंसलिंग का प्रॉब्लम रहता है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, काउंसलिंग कर दिया तो प्रॉब्लम निकल जाता है। स्पेशली ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में होता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं वैसे मैं अकेला रहता हूँ ना तो टाइटनेस आता है, इरेक्शन आता है, मैं मास्टरबेशन करता हूँ इरेक्शन आता है, गर्लफ्रेंड के पास में गया तो बिल्कुल नहीं होता, या वाइफ के पास में गया तो बिल्कुल होता ही नहीं इरेक्शन। तो ये काउंसलिंग से और सेंसेट फोकस, मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। काउंसलिंग में हम बाकी भी लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों को बोलते हैं कि जैसे भी सिगरेट, पान, तंबाकू बंद करो, नींद अच्छी लो, बैलेंस डाइट लेना है, वजन कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज लेना है, मतलब ये सब काउंसलिंग का पार्ट है और लाइफस्टाइल आप बदलते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। नंबर तीन जो है वो है मेडिसिन, दवाइयाँ। इसमें टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट दे सकते हैं, इंजेक्शन, टैबलेट, जो भी अवेलेबल है। ग्रोथ हार्मोन जो लोगों में कम रहते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स दे सकते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम यदि रहा तो थायराइड सप्लीमेंट दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स बाकी एलर्जन जैसे हम दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कारगर है वो है PDE5 इनहिबिटर्स। इसमें सिल्डानाफिल, वर्दानाफिल, टाडालाफिल, एवानाफिल ये दवाइयाँ हैं। अब इरोक्सोन स्प्रे जो है वो भी हम पेनिस के ऊपर मार सकते हैं और जिससे टाइटनेस में फ़ायदा होता है। अभी सिल्डानाफिल जो है वो 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम, टाडालाफिल 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम, एवानाफिल 20 मिलीग्राम, वर्दानाफिल 20 मिलीग्राम इसे दे सकते हैं। फिर नंबर चार जो है वो है मसाज। मसाज के लिए भी मेरा अलग से वीडियो है। आप हमने जो स्पेशल बना के लिए आयुर्वेदिक तेल वो लगा सकते हैं, एक्सट्रीम ऑयल है या प्रेस्टीज ऑयल है, या फिर आपको ऑयल मिलता नहीं तो सीधा कोकोनट ऑयल गुनगुना, थोड़ा सा मतलब गर्म कर लेना थोड़ा सा और उसे मसाज करना, उससे फ़ायदा होता है। मसाज जो है वो रूट से लेके सामने तक ऐसा करने का है जैसा दूध निकालते हैं वैसा करने का है, दूध निकालते वैसा, या फिर जैसा आटा मलते हैं ना वैसा कर सकते हैं। नंबर पाँच जो है वो है पी शॉट थेरेपी, जिससे फ़ायदा काफ़ी लोगों को हो सकता है। नंबर छः शॉकवेव थेरेपी, जो पेनिस को देते हैं जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और फ़ायदा होता है। और नंबर सात इम्प्लांट्स, जो हमारे मतलब फॉरेन के इम्प्लांट्स हैं या फिर लोकल इम्प्लांट्स हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। तो ये सात तरीके जिससे लिंग को टाइटनेस लाने में या लिंग को कठोरता लाने में फ़ायदा होता है। लिंग जब टाइटनेस है मगर जल्दी निकल जाता है तो उसके लिए फिर दवाइयाँ अच्छी कारगर, अच्छी कारगर मतलब अच्छा काम करती है, जिसमें SSRIs है, फिर लोकल स्प्रे है, लोकल ऑइंटमेंट है, फिर स्क्वीज टेक्निक है, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है, फीमेल सुपीरियर पोजीशन है, काफ़ी सारी जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करके आप प्री मैच इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन के लिए भी उसमें काम कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।